आगामी समय में आने वाले हिंदू और मुस्लिम समाज के तीज त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के लिए देवास में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नागरिकों ने बताया कि 7 जुलाई से मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व की शुरुआत चौकी भुलाई से होगी, जिसमें 17 और 18 जुलाई को मेहंदी की रस्म होगी और ताजिया का जुलूस निकलेगा। जुलूस में अखाड़ा खेले जाने पर थाना प्रभारी ने कहा कि अखाड़े में धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ 22 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास में हर सोमवार को बाबा सिद्धनाथ की पालकी नगर भ्रमण पर ले जाई जाती है। बैठक में सवारी मार्ग को व्यवस्थित किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं नगर में मुख्य मार्गों पर निजी वाहनों की पार्किंग कर दिए जाने से आम जन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर नगर परिषद अध्यक्ष ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हफ्ते के अंदर जो जो हमारे लायक है वो अच्छे से हम लोग उसका फॉलोअप आप लोग को दे देंगे। जैसे आपके द्वारा पॉइंट बताए गए हैं, जो ट्रैफिक है नगर के अंदर, जो अनावश्यक गाड़ियां खड़ी रहती हैं उन लोगों को हम व्यवस्थित पार्किंग करवाएंगे। घाट की समस्या हमारे पास सामने आई है कि कुछ आवारा तत्व और जो अनावश्यक जो भिखारी बैठे रहते हैं उन लोग के हम लोग आईडी चेक करेंगे। जो यहाँ के नहीं रहेंगे उनको यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। हाँ, शांति समिति की बैठक आगामी पर्व को लेकर रखी गई थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग समुदाय के भाई लोग इकट्ठा हुए थे। सभी ने अपने पर्वों की व्यवस्था संबंधित चर्चा की और हम इस खूबसूरती के साथ यह पर्व मनाए, इस हेतु सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और नगर में व्यवस्थाओं के संबंध में नगरवासियों ने सुझाव दिए। वो नगर परिषद के जो भी सहयोग होगा, नगर परिषद और हम सब पूरी टीम उसमें नगर की व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।